है और इसलिए बेसन के पकोड़ों के लिए ये घोल तैयार हो रहा है ना ये कर रही है और पकोड़े मैं बना चुकी हूँ मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे पकोड़े रेडी है कड़ी पत्ता फ्रेश फ्रेश हमारे किचन गार्डन के आ चुके हैं नीचे और यहाँ पे बन रहा है दाल मखनी जिसके कि आधा दाल का पानी बाहर आ चुका है पूरी तरह से और जब तक इसमें अच्छे से पूरा उबाल नहीं आ जाता है ना मैं इसको ऐसे ही जो है चलाती रहूँगी और आप लोगों ने भी अगर परफेक्ट कड़ी बनानी है जो शाइन वाली कड़ी होती है ना जैसे हलवाई बनाते हैं वो करना है तो ये करना है कि जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा हमने इसको इसी तरह से जो है चलाते रहना है रुकना बिल्कुल नहीं है नहीं तो एक तो कड़ी फटने का डर होता है और दूसरा जो है अच्छी सी शाइन नहीं आती है ठीक है तो आप ये करिएगा हेलो एवरीवन कैसे हैं सारे आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे तो यहाँ पे ये मैंने दो तीन दिन का एक साथ ही शूट किया हुआ है और रेसिपी कोई खास मैं से शेयर नहीं कर रही हूँ मैंने आप लोगों के साथ पहले भी रेसिपी शेयर कर ही रखी है और सिया यहाँ पे वीडियो बना रही थी मेरी की कह रही थी मैं आपकी बना रही थी तो देखिए मैंने इसको काफ़ी देर से काट रही थी मेरे से और जब इसका ना उबाल आ जाए तभी आपने इसको जो है चलाना बंद करना है और ये देखिए चलाते चलाते गाढ़ा भी हो गया है और ये बिल्कुल मैंने इसको आप देख सकते हैं साइड में कितने अच्छे तरीके से लग रखे हैं तो काफ़ी देर तक मैंने इसको पकाया है तभी इसमें इतना अच्छे से जो है टे, आ, स्वाद भी आता है और कड़ी ना ये बिल्कुल बिल्कुल भंडारे वाली कड़ी हो रखी थी तो आप इस तरह से बिल्कुल ट्राई करिएगा मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी जो कड़ी की रेसिपीज़ शेयर कर रखी है और इसकी शाइनिंग देखिए देखते ही रखे हैं मम्मी के साथ शॉपिंग करने शॉपिंग यानी करवा चौथ के लिए क्योंकि मम्मी ही हमारी शॉपिंग कराती है करवा चौथ की हो चाहे तीज की हो चाहे किसी भी त्यौहार की हो तो मम्मी हमारे साथ रहती है हमेशा और मतलब मम्मी ही शॉपिंग करवाती है मतलब और तो यहाँ पे मम्मी हम दोनों सिस्टर्स को बोल रही थी कि यहाँ से तुम लोग सूट छाट लो और छोटी वाली तो अभी बाहर है तो उसको मम्मी कह रही थी कि उसको पेटीएम भी कर देगी तो ये देखिए अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा सूट मैं लेती हूँ और इस दिन हमने बाकी भी शॉपिंग की थी ना क्योंकि घर में भी काफ़ी सारे शादियाँ फंक्शंस होने वाली हैं तो ये सूट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और सिस्टर ने भी मतलब उसी टाइप का लिया लेकिन उसका थोड़ा सा डिज़ाइन और पैटर्न अलग था और ये हमारी खंडीलवाल जी की दुकान है बहुत पुरानी शॉप है बहुत बढ़िया शॉप है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है शरद पूर्णिमा की रात नौ अक्टूबर आज है माँ लक्ष्मी जी का जन्म दिवस ऐसा माना जाता है और आज के दिन को कोजागरी भी कहा जाता है कोजागरी यानी कि कौन जाग के बैठता है और माँ लक्ष्मी भ्रमण करने आती है पृथ्वी का पृथ्वी निवासियों को देखने के लिए तो इस दिन हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे क्योंकि आज के दिन पूर्ण से भी होती है और जो हमारे चंद्रदेव होते हैं पूर्ण कलाओं से जो है आ, संपूर्ण होते हैं और आप लोग जो है खीर का इसमें प्रसाद चढ़ाइए माँ लक्ष्मी को भी और चंद्रदेव को भी और चंद्रदेव को जो आप खीर का प्रसाद चढ़ाएंगे तो पूरी रात बाहर चंद्रदेव के मतलब रोशनी में रहने दीजिए यहाँ उसे किसी कपड़े से या जाली से ढक के जरूर रखिए ताकि कोई जानवर या कीड़ा जो है उसमें उसको गंदा ना कर सके दूषित ना कर सके अशुद्ध ना कर सके और मैंने जो है माता लक्ष्मी की पूजा कर ली है यहाँ पर और उनको खीर भी चढ़ाया है पूजा हो चुकी है और दिया भी जला दिया है तो चलिए अब मैं माता लक्ष्मी की आरती कर लेती हूँ देखिए बादल छट आए हैं और चंद्रदेव बिल्कुल जो है निकल आए हैं मतलब बादल जैसे जिस तरह से बारिश हो रही थी कुछ देर पहले तो अब वो बारिश बंद हो गई है और चंद्रदेव अपनी रोशनी दे रहे हैं हाँ हाँ मैं यही हूँ मैं यही हूँ तो खूबसूरत सा जो है चाँद नज़र आ रहा है और मेरी YouTube फैमिली ये जो है फिर नेक्स्ट डे की वीडियो है शूट है यानी कि यहाँ पे भैया लोग ना ये लाइट लगाना रखे थे एक्चुअली मम्मी लोग का पूजा रूम और किचन में लाइटिंग काफ़ी कम है तो मैंने ही मम्मी लोगों से कहा कि थोड़ा सा मतलब लाइट काफ़ी तेज होनी चाहिए तो उस वजह से अच्छा रहता है पूजा में जैसे वो किताबें पढ़ते हैं कथाएँ पढ़ते हैं मतलब बहुत कुछ, कुछ काम होता है और किचन में भी जो है थोड़ा ब्राइटनेस होना चाहिए और तो इसलिए जो था यहाँ पे भैया लोग को आए थे ये लाइट लगाने के लिए और मैंने अपने मंदिर का भी लाइट ठीक करवाना था और भैया लोग बहुत अच्छे हैं और काफ़ी मतलब हमारी पुरानी जैन पहचान है भैया से ना और भोपाल भोपाल जो है ना वो मेरे से मतलब छोटा है काफ़ी छोटा है और उसके भाई को तो मैंने पढ़ा भी रखा है तो ये देखिए किचन की भी लाइट चेंज हो गई इससे वजह से देखिए आप कितना ब्राइट ब्राइट सा लग रहा है और यहाँ पे तो अभी पूरा काम होना है ये सारा सब कुछ चेंज होगा मतलब किचन में ना मम्मी का मैं दिखा रही हूँ अभी ये बहुत कुछ चेंज होने वाला हो और यहाँ पे देखिए सीलन से मतलब सभी जगह आती होगी शायद इस सीलन से पूरा कुछ खराब हो रखा है देखिए पपड़ियाँ निकल गई है तो सब कुछ अब ठीक होगा वाश वाला घर देखिए कैसा होता है बाकी दिन मम्मी का घर कितना साफ होता है और वाइट वॉश के टाइम देखिए क्या कर सकते हैं और लेकिन देखिए हमारे फ्लावर कितने अच्छे हो रखे हैं है दे ना देखे आ गए हमारे कितने अच्छे हो रहे हैं अच्छा मेरा आ रखा है पार्सल मैं ले लेती हूँ पार्सल आ, मैंने उनको गली बता दी है कल्याणी नर्सरी वाली गली है ये गली हमारा फेमस है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दो तीन सब्जियाँ एक साथ यानी कि ये करेले की, की भुजी भुर्जी सी बना रही हूँ ऐसे बहुत अच्छा लगता है सूखाना बस ऐसे सिंपल तेल में और ये साथ में बनेगा यहाँ पे कद्दू की सब्जी कद्दू लेके आई थी बहुत दिनों बाद में पंकज और सिया नहीं खाते इसलिए बनता नहीं था लेकिन मैंने सोचा कि भाई ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं खाते तो हम भी ना खाएँ तो उन लोगों के लिए कुछ और सब्ज़ी बन जाएगी और मैं मम्मी और डैडी हम लोग कद्दू खाएँगे और यहाँ पर मैं जो है और साथ में मैंने बनाई थी दाल मखनी और उसको भी मैं ये तड़का दे रही हूँ ऊपर से और जो है बढ़िया सा तड़का दे रही हूँ और मम्मी जो है मेरी हेल्प करवा देती है काफ़ी कटिंग चॉपिंग ये सब में तो मम्मी यहाँ पे ना साग काट रही थी अभी राई के साग आ गए यहाँ पे काफ़ी अच्छे आ गए राई के साग मूली के पत्ते खूब अच्छे आ गए हमारे यहाँ पे तो अब बस जो है हम लोग ये खाना वाना लंच रेडी कर देंगे उसके बाद जाएंगे फिर शॉपिंग करने शॉपिंग यानी कि सामान सारा लेना बनता है इधर घर का भी देखना पड़ता है यहाँ भैया लोगों के लिए चाय बन रही है तो लीजिए आ गए मैं और मम्मी हम दोनों मतलब सिया भी थी क्योंकि वो स्कूल से आ गई थी तो आ, हम लोग आगे हैं मार्केट में और मार्केट में ना हमारे यहाँ पे बहुत रौनक रहती है त्यौहार पर भी है जो हम लोग पठानकोट में थे ना वहाँ पे मतलब इन चीज़ों को देखने के लिए हम तरस जाते थे मतलब ऐसा लगता था कि मतलब हम किसी जंगल में रह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आप कितनी रौनक रहती है चाहे कोई भी फेस्टिवल हो तो देखते ही बनती है रौनक और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कभी कभी कन्फ्यूज हो जाएंगे मेरे वीडियो देख के पर प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होना क्योंकि ना मेरा दो तीन दो तीन दिन का ऐसा बनता है कि मैं एक साथ ही बनाती हूँ और फिर डाल देती हूँ डेली ब्लॉगिंग ठीक से हो नहीं पाई क्योंकि आप देख सकते हैं कि घर में बहुत अभी काम चल रहा है और यहाँ पर मैं जो था आटा सान रही थी तो मैंने सोचा था मैं आटा सानते हुए पूरा ढंग से वीडियो बनाऊँगी लेकिन उतने में फिर क्या हुआ कि एज़ यूजल जैसा कि मुझे मतलब पांच छह जगह एक साथ ही अटेंड करना पड़ता है तो फिर क्या हुआ था कि हमारा जो टीवी जो था एक्चुअली वो नेट से जो कनेक्ट है तो फिर वो चल नहीं रहा था तो मैं आटा सानते सानते फिर वहाँ पे मुझे चल जाना पड़ गया था क्योंकि भैया आ गए थे और मैं और यहाँ मैंने साथ साथ, साथ सब्जी की भी तैयारी कर ली है मटर पनीर ही बनाऊँगी आज वैसे तो है लेकिन कल फास्ट है तो आज नॉन नहीं खाएँगे हम तो मटर पनीर ही बनाऊँगे अभी हेलो एवरी कैसे हैं सारे आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ मार्केट यानी कि हमारा मार्केट तो यहीं पर पास में है तो हम यहाँ जा रहे हैं अभी मम्मी निकल चुके आगे और सिया भी पीछे हैं खाना वाना सब हमने बना लिया लंच मतलब ना हम लंच पूरा बना लेते हैं उसके बाद ही जाते हैं कहीं यहाँ होता है तो अभी कुछ सामग्री लेनी है यानी कि त्यौहार तो हर टाइम में ऐसे होता है आप लोगों को पता है और यहाँ पे ना मुझे मेरी छन्नी जो थी मैंने देखा रखा हुआ था लेकिन वो खराब हो गया था तो मैंने छन्नी भी ले ली थी और ये फोटो भी ले ली थी एक और वो मतलब पुरानी फोटो थी तो मैंने सोचा चलो नई फोटो ले लेते हैं फ्रेंड मुझे मिल गए यहाँ पे रहे हैं आज ये देखो कैसे बोल रही थी दिमाग दिमाग मत खराब खराब नहीं हो तो ये गीता थी मेरी फ्रेंड जो कि अभी विरासत जा रही थी मुझे कह रही थी चलने के लिए लेकिन मैं तो रेडी नहीं थी तो मैंने कहा चलो तुम जाओ फिर कभी जाएंगे और हम लोग यहाँ पे आ गए थे करवा चौथ के लिए मिठाइयाँ लेने के लिए मिठाइयाँ और मीठे करवे लेने के लिए वो सब मम्मी ही लेती है हमेशा मम्मी ही लेके देती है हम लोगों को तो मैं मिठाई अपनी तरफ़ से भी लेती हूँ और यहाँ पर भैया ना गर्म गर्म जलेबी तल रहे थे, थे जो कि बहुत अच्छा लग रहा था और शाम का टमा समय टमे नहीं समय हो गया था तो मैं मेहंदी लगवा रही थी और ये मेहंदी ना मेरी बहुत ही सुंदर लगा दी थी और देखिए मतलब ना मैं बहुत ज़्यादा मैं सच बताऊँ तो ना मैं मेहंदी के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करती हूँ कंजूस हूँ मैं इस मामले में थोड़ा सा तो अभी बिल्कुल शाम हो चुकी शाम के रात ही हो गई है उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ क्योंकि दिन भर काफ़ी बिजी रहे और मैंने लंच वंच में भी जो है बनाया नहीं वीडियो टाइम ही नहीं मिला एक्चुअली क्योंकि आजकल बहुत बिज़ी हम चल रहे हैं उसके बाद फिर फोर ओ क्लॉक से नहीं हाँ फोर थर्टी से मेरी ट्यूशन थी थोड़ी देर में आके लेट गई आँख लगी थी बस पाँच मिनट फिर ट्यूशन थी उसके बाद फिर मेहंदी भी लगवाई मैंने देखिए काफ़ी अच्छी लगी मेरी मेहंदी मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए है ना अब कलर भी आएगा इसको अभी मैंने मैं सोच रही हूँ कि सोने के टाइम में भर लूँगी थोड़ी देर पहले मतलब सोने से थोड़ा आधा घंटा पहले थोड़ा ड्राई हो जाएगा और मम्मी के यहाँ से जो है करवा का सामान पूरा आ गया है मेरा मतलब करवा चौथ का सामान पूरा आ गया है हर साल मेरी मम्मी ही देती है मेरे मुझे जो है करवा चौथ का सामान जो है हर साल मम्मी ही देती मुझे और कल देखते हैं पंकज क्या देते हैं ऐसा नहीं है कुछ देने मैंने का कुछ नहीं है खैर वो खुद ही मेरे साथ फास्ट रखते हैं हर साल मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया है करवा चौथ रखना तब से ही वो मेरे साथ करवा चौथ का फास्ट रखते हैं और चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया मेहंदी बड़ी अच्छी लग गई है मेरी मैं दिखाती हूँ आपको सामान देखिए सूट आया है मम्मी के घर से बहुत ही जो कि सुंदर है बहुत ही प्यारा है इसको मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी रेडीमेड है मतलब मम्मी ने मुझसे ही पसंद कराया था साथ में चूड़ियाँ आ रखी है और ये मेरी सिस्टर ने भिजवाया था और ये सुहाग का सामान भी मम्मी और सिस्टर ने मतलब जो है उन्होंने भिजवाया था और ये बाकी जो सामा सारा सामान है ये मम्मी ने दिया था तो इसको अभी हम लोग जो है सुबह उठ के खाएंगे तो बाकी सारा सामान फ्रूट वूट और दक्षिणा भी रखी थी मम्मी ने साथ में वो शायद मैंने पर्स में रख दिया है तो ये सारा सामान जो है मम्मी डैडी के यहाँ से आ रखा है मेरे मम्मी डैडी के यहाँ से तो ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है ना चलिए तो अब मैं जो है अपने डिनर की तैयारी करती हूँ तो चलिए फ़िलहाल मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ मिलते हैं एक नए ब्लॉग में और उम्मीद है आशा है कि आप लोग हमेशा ही करवा चौथ का व्रत ऐसे ही मनाते रहिए मेरी तरफ़ से आप सभी को हैप्पी करवा चौथ और करवा चौथ का ब्लॉग फिर इसके बाद आएगा तो चलिए आप लोग अपना बहुत सारा बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं अगले ब्लॉग में टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर